नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी विद सिविल बॉडी। और आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ शारदा फॉल के न्यूमेरिकल के बारे में। कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपको शारदा फॉल डिज़ाइन करना है, तो दो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक तो डिज़ाइन स्टेप्स के बारे में पूछेगा आपसे, या फिर दूसरा क्वेश्चन होता है आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, तो अगर आपसे डिज़ाइन स्टेप्स पूछता है, तो ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका जो लिंक है, वो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछता है, तो न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है डिज़ाइन के स्टेप्स के साथ साथ में, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। कि अगर आपको शारदा फॉल डिज़ाइन करना है, तो कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर शारदा फॉल की डिज़ाइनिंग की बात करें, तो कम से कम इसका जो वेटेज है, 8 मार्क्स से 12 मार्क्स तक वेटेज है इसका। मतलब 8 से लेकर 10 नंबर या 12 नंबर का ही पूछा जाता है, डिपेंड करता है एग्जाम्स में। कॉलेज के जो एग्जाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, उनमें इसका मतलब ये है कि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये सिलेबस में है तो। ठीक है, कंपटीशन में भी काफ़ी बार मेंस के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो शारदा फॉल है, इसको डिज़ाइन करते हैं हम। अगर आपको शारदा फॉल डिज़ाइन करना है, तो उससे पहले ये पता होना चाहिए कि शारदा फॉल की टर्मिनोलॉजी क्या है, या कैसा होता है देखने में, क्या क्या इसके टर्म्स होती हैं। तो जैसा मैंने डिज़ाइन स्टेप्स में मैंने बताया था कि कौन कौन सी टर्म है जो हमको याद रखनी है, कौन सी चीज़ें क्या हैं, वैसे ही मैं वापस से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके मैं बता देता हूँ इसमें चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, इसमें क्या होगा, एक क्रिस्ट होता है, ठीक है ना, क्रिस्ट वॉल होती है एक, ठीक है। और जो क्रिस्ट वॉल होगी, उस क्रिस्ट वॉल के जस्ट डाउन स्ट्रीम में, देखो इसमें दो पार्ट है, एक अप स्ट्रीम है, एक डाउन स्ट्रीम है, जैसा कि आपको पता होता है, दो पार्ट होते हैं। तो ये जो है, ये तो है डाउन स्ट्रीम, और ये है आपकी अप स्ट्रीम। जो डाउन स्ट्रीम का जो बॉटम वाला एंड है, जहाँ पानी रुकता है, उसको बोलते हैं सिस्टर्न। बेसिकली ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये है सिस्टर्न आपका, ठीक है। ये नीचे क्या है, ये डाउन स्ट्रीम बेड है, नीचे जो बेड है, ये इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम बेड। नीचे बेसिकली कॉन्क्रीट का नीचे फ्लोर होता है, कॉन्क्रीट का बेड होता है, ठीक है। जो सिस्टर्न आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो क्रिस्ट वॉल है, ये जो क्रिस्ट वॉल है सिस्टर्न के जस्ट पास में, ये पूरी की पूरी क्रिस्ट वॉल है। इस क्रिस्ट वॉल की जो हाइट है, उसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल डी। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज रखना है, जो हाइट डेप्थ बता रहा हूँ कहाँ से, ये स्मॉल डी कहाँ से है, ये आपके सिस्टर्न का जो लेवल है, ये बेसिकली उस जो सॉरी बेड का जो लेवल है, ये बेड लेवल है, इस बेड लेवल से हाइट है, इसको बोल रहा हूँ स्मॉल डी। अगर मैं बोलूँ अप स्ट्रीम का जो बेड है, उस अप स्ट्रीम के बेड से ये जो हाइट है, इसको बोल रहा हूँ मैं स्मॉल एच। अच्छा, ये जो लेवल है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्ट लेवल। क्रिस्ट का जो बॉटम वाला जो पार्ट है, वो तो है ये, और ये है अपर पार्ट आपका। तो अपर पार्ट वाला जो लेवल है, उसको बोलते हैं क्रिस्ट लेवल। पानी का जो लेवल होगा, वो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम एफ एस एल, अप स्ट्रीम में है तो। और उसके ऊपर कुछ हाइट पर क्या होगी, टोटल एनर्जी लाइन होगी टी एल, जिसको हम बोलते हैं, वो होगी अप स्ट्रीम की। तो एफ एस एल और टी एल के बीच में जो हाइट होती है, बेसिकली ये वाली हाइट जो इन दोनों को अलग करती है, ये कितनी होती है, ये होती है आपका वेलोसिटी हेड के बराबर। किसके बराबर होती है, याद रखना, वेलोसिटी हेड के बराबर। वेलोसिटी हेड की हम कैलकुलेशन करेंगे, वी ए से जो होती है वेलोसिटी, आपको उससे रिप्रेजेंट करेंगे, और एच ए से हम वेलोसिटी हेड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो वेलोसिटी हेड की जो हाइट है, इसको एच ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर मैं ये बोलूँ कि जो आपका अपस्ट्रीम का बेड है, और अपस्ट्रीम एफ एस है, इसकी जो टोटल हाइट है, वो क्या है, इस ये कैपिटल डी वन होती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर भी सेम यही रखें कि जो बेड है, उस बेड से जो आपका डाउन स्ट्रीम का जो एफ एस एल है, यहाँ तक की हाइट क्या होती है, इसको आप डी टू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डी टू। तो सेम ऊपर अगर डी वन है, तो इसको यहाँ डी टू बोल सकते हैं आप। उसके अलावा क्रिस्ट लेवल से जो आपका एफ एस एल है, अपस्ट्रीम एफ एस एल है, वहाँ तक की जो हाइट है, उसको बोलते हैं आप क्या, कैपिटल एच। और अगर इस कैपिटल एच में आप वेलोसिटी हेड ऐड कर देंगे, तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, टी एल तक। यानी कि टी ई एल से, अपस्ट्रीम टी एल से क्रिस्ट लेवल की जो हाइट है, वो क्या होती है, वो होती है ई, ठीक है। बॉटम की जो विड्थ है क्रिस्ट की, वो बी होती है, और सॉरी टॉप की जो विड्थ है, वो तो है बी, और बॉटम की जो विड्थ है, उसको हम बोलते हैं बी वन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी वन से। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ना कुछ हेड ड्रॉप होता है, यानी अपस्ट्रीम में कुछ हेड था, डाउन स्ट्रीम कुछ हेड है, तो हेड ड्रॉप होता है बेसिकली, वो ड्रॉप आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, कितना होता है, आप चाहें तो उसको एच एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पर क्या है, बेड लेवल होगा, यहाँ पर बेड लेवल है ये, और नीचे होगा क्रिस्टल, ये सिस्टर्न लेवल। तो सिस्टर्न लेवल और बेड लेवल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ हाइट होगी, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, ठीक है। तो ये अगर चीज़ आपको पता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन क्या गिवन है और कैसे इसको डिजाइन करना है। चलिए, अब अगर मैं क्वेश्चन में चलूँ, तो क्वेश्चन एक गिवन है, अपने पास डेटा है, डिजाइन ए शारदा टाइप फॉल फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या है, सबसे पहला जो डेटा है वो रखा है फुल सप्लाई डिस्चार्ज।
क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा एग्जाम में, यही पैटर्न ऐसा ही लिखा मिलेगा, तो समझना चीजें क्या है। तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो होता है अपस्ट्रीम, नीचे लिखा हुआ है डाउन स्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में दोनों में डिस्चार्ज है 45 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूमेक। अच्छा फुल सप्लाई लेवल कितना है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में तो है 118.3 मीटर और डाउन स्ट्रीम में 116.8 मीटर, ठीक है। फिर है अपने पास में फुल सप्लाई डेप्थ, अपस्ट्रीम में भी डेप्थ 1.8 मीटर है, डाउन स्ट्रीम में भी जो सप्लाई की डेप्थ है वो कितनी 1 मीटर है, 1.8 मीटर है, यानी कि ऊपर भी पानी का उतना ही हाइट है जितना डाउन स्ट्रीम में, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों में बराबर है, ठीक है। बेड विड्थ कितनी है, अपस्ट्रीम में बेड विड्थ है 28 मीटर, डाउन स्ट्रीम में भी 28 मीटर, यानी कि जो पानी का बहाव है, जो उस पानी की जो चौड़ाई है, बेड की जो चौड़ाई है वो ऊपर अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों में बराबर है। बेड लेवल की बात करूं तो अपस्ट्रीम बेड लेवल है 116.5, जबकि डाउन स्ट्रीम का जो बेड लेवल है वो कितना है 115, ठीक है। ड्रॉप कितना हुआ है, हेड एच एल जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देते, ड्रॉप कितना हुआ है वो 1.5 मीटर का ड्रॉप हुआ है, ठीक है। जो ब्लिक्स कोफिशियंट है वो भी हमको गिवन है, वो कितना है, वो 8 दिया हुआ है, और थिकनेस डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए, अब आपको कैसे डिजाइन करना है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या है, कुछ अलग अलग डिजाइन स्टेप्स हैं वो आपको डिजाइन करनी है। बेसिकली जैसे आपके पास में पहली डिजाइन स्टेप है उसमें तो आपको कैलकुलेशन करनी है एच और डी की, किसकी कैलकुलेशन करनी है, एच और डी कैलकुलेट करना है आपको, कि आपको एच और डी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एच और डी क्या है ये मैंने आपको बताया था, एच क्या है यहाँ पर देखिए, एच तो है हाइट, कहाँ से, क्रिस्ट लेवल से एफ एस एल की जो हाइट है वो है एच। डी क्या है, डी मैंने बोला था कि जो क्रिस्ट है उस क्रिस्ट वॉल की क्या है हाइट है, कहाँ से, बेड जो डाउन स्ट्रीम बेड है वहां से लेकर के कहाँ तक क्रिस्ट लेवल की जो हाइट है वो है स्मॉल डी। तो कैपिटल जो स्मॉल डी है और कैपिटल एच है इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो सबसे पहले तो बात तो ये क्वेश्चन बनती है कि आपको जो डिजाइन करना है क्रिस्ट, जब डिजाइन करना है उस क्रिस्ट की शेप होती है, दो टाइप की शेप है, एक तो है रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, एक तो रेक्टेंगुलर आप बना सकते हो, और रेक्टेंगल के साथ में क्या बना सकते हो, एक बना सकते हो ट्रेपेजोइडल, एक तो डायरेक्टली आप इस तरह से आप शेप बना लो उसकी, और एक दूसरा होता है कि आप उसको ट्रेपेजोइडल शेप में बनाओ क्रिस्ट को, ठीक है। अब अगर आपके पास में डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू 14 है मीटर क्यूब पर सेकेंड है या इससे कम है, तब तो आप जाएंगे कहाँ, रेक्टेंगल में। लेकिन अगर आपका डिस्चार्ज 14 यानी कि 1/4 14 से ज्यादा है तो उस केस में फिर आपको जाना पड़ेगा ट्रेपेजोइडल की तरफ, यानी ट्रेपेजोइडल डिजाइन करना पड़ेगा। गिवन क्वेश्चन में क्या है, 45 मीटर क्यूब पर सेकेंड है आपका डिस्चार्ज, यानी कि आपको जो बनाना पड़ेगा वॉल, वो क्रिस्ट वॉल जो है आपकी वो कैसी होगी, वो ट्रेपेजोइडल शेप की होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, समझ में आया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेपेजोइडल जो शेप है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्रिस्ट वॉल की, ऐसा ये क्वेश्चन से पता चलता है यहाँ पर। चलिए तो ये काम तो पता चल गया है, अगर यहाँ पर आपकी शेप कैसी है, ट्रेपेजोइडल है, तो ट्रेपेजोइडल का डिस्चार्ज का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है रेक्टेंगल से। तो कितना होता है ये मैंने डिजाइन स्टेप में बताया, तो ये रहा फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू 1.99 LH की पावर 3/2 H/B की पावर 1/6, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ और विड्थ पता करनी पड़ेगी कितनी है। तो ध्यान रखना कि जो लेंथ होती है क्रिस्ट की लेंथ वो बेड विड्थ का, बेड विड्थ है जो चैनल की उसके बराबर ही होती है। तो बेड विड्थ क्वेश्चन में गिवन है, बोट अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में दोनों में कितनी दे रखी है, दोनों में दे रखी है 28 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, अभी हमने डेटा में देखा था। तो एल की वैल्यू तो होगी 28 मीटर। अब बात करते हैं टॉप विड्थ बी की, क्रिस्ट की जो टॉप विड्थ बी होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में कितना, बी इक्वल टू 0.55 √H+D। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एच प्लस डी पता होना चाहिए, तो ध्यान रखना एच प्लस डी जो होता है वो होता है D1 + drop in the bed level। तो D1 क्या था, मैंने D1 बोला था कि आपका हाइट है पानी की बेड लेवल से, कि आपका एफ एस एल के बीच की हाइट है। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी हाइट कितनी है पानी की, फुल सप्लाई डेप्थ कितनी है, देखो यहाँ पर फुल सप्लाई डेप्थ दे रखी है 1.8 मीटर, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों में बराबर, यानी कि डी की अगर हम बात करें, D1 D2 दोनों ही बराबर है क्वेश्चन में, तो D1 कितना जाएगा 1.8 मीटर, ठीक है। और ड्रॉप कितना है पानी का, पानी का ड्रॉप 1.5 है क्वेश्चन में गिवन, यानी कि अगर दोनों का सम करूंगा एच प्लस डी की वैल्यू अगर मैं निकालू D1 + drop in बेड से, बेड लेवल से, तो 3.3 आएगा। तो अगर मैं इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दूँ एच प्लस डी की वैल्यू को, तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी कितना आएगा, बी आएगा कितना 1। अब आपको निकालना है इस फॉर्मूले से एच की वैल्यू, क्योंकि क्यू आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है, एल आपने निकाल लिया है, बी आपने निकाल लिया, एच नहीं पता है। तो एच कितना होगा, तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास एच की वैल्यू आएगी कि एच कितना है, तो इस फॉर्मूले से एच आएगा हमारे पास में कितना 0.88 मीटर। और हमको अभी भी पता है
कि h प्लस डी जो होता है वो किसके बराबर होता है, b के बराबर। तो b मुझे पता है, h मुझे पता चल गया है, तो मैं d निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो d की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं h की वैल्यू, तो d हो जाएगा बराबर 2.42 मीटर। तो यहाँ से एक चीज़ हम कर सकते हैं, अगर हमको h पता चल गया है और d पता चल गया, दोनों चीज़ पता है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हमको पता है कि स्मॉल h जो होता है वो हाइट होती है, अपस्ट्रीम में हाइट होती है, ठीक है। तो अगर स्मॉल h निकालना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अब आपको डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी थोड़ी सी। अगर देखो मुझे ये स्मॉल h निकालनी है, स्मॉल h, और मुझे d1 पता है, ये वाली जो d1 है ये मुझे पता है और h पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरी d1 में से h घटा दूँ, कैपिटल h, समझ गए। तो कैपिटल d1 में से स्मॉल h अगर निकालना है, तो कैपिटल d में से आपको क्या करना पड़ेगा, h घटानी पड़ेगी, कैपिटल h घटा सकते हैं। तो d1 में से जो टोटल हाइट थी उसमें से h घटा देंगे आप, तो नीचे वाली जो हाइट है स्मॉल h वो आ जाएगी। ये आपकी क्या थी, ये कैपिटल h थी और ये आपकी d1 थी। ऐसा कुछ डायग्राम में था या नहीं था, वो डायग्राम का यूज़ करना है, बस यही काम आएगा। तो आपके पास h आ जाएगी, h कितना है, 0.92 मीटर h आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी फर्स्ट स्टेप, जहां आपको h और d की कैलकुलेशन करनी थी, साथ में आप और भी जो डेटा होगा उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपकी, पी उस नेक्स्ट स्टेप में आपको क्रिस्ट वॉल है, उस क्रिस्ट वॉल की डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप बाकी का, अगर आपने डिजाइन स्टेप्स नहीं देखे हैं शारदा फाल के, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करो और अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।